हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बुनियादी कक्षाओं में जब हम मापन मेजरमेंट को पढ़ाते हैं। मेजरमेंट मापन की जो अवधारणा है बच्चों में बनने में समय लेती है और अनुभव, बहुत सारे हमें अनुभव देने होते हैं के बारे में। बुनियादी कक्षाओं में जो एक महत्वपूर्ण संख्यात्मकता का घटक है, यूँ तो जैसे गणित की प्रकृति संचय होती है, हमने छोटा बड़ा कम ज़्यादा स्थानिक समझ में संख्या अवधारणा के नाम पर बच्चों को गिनने से पहले सिखाया है, भैया यहाँ पर उसको दोबारा से उन चीजों की जरूरत होती है क्योंकि भाषा के साथ मापन पर काम किया जाता है। पर जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है मापन को सिखाने में, मापन एक अनुभव की और समय की मांग करता है। कंसेप्ट क्विकली बिल्डअप नहीं होता, ये समय और अनुभव की मांग करता है क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे कुछ गलत मान्यताएं पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे एक समान लंबाई की चीजें हैं तो वो समान वजन की होंगी, या समान चीजें हैं आकार के साथ जो वजन का संबंध है, लिक्विड में समान ऊंचाई के बर्तन हैं अगर वो समान ऊंचाई तक भरे हुए हैं तो वो सब बराबर होंगे। तो इस तरह की, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण जो मात्रा संरक्षण का समझ है उसको डेवलप होने में बच्चों में समय लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जब वजन के साथ बच्चों के साथ काम करें इन पर हम कुछ गतिविधियां करेंगे जिससे बच्चे को हम इस पर हाईलाइट कर सकें। ये मतलब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, हमें पता है कि बच्चे गलती करते हैं, संवाद करने का बच्चे में मौका मिलेगा जिससे बच्चों की एक अच्छी समझ बन सके। नंबर 1, बड़ी चीज का वजन हमेशा ज्यादा नहीं होता। इसके लिए सिंपल, आप क्लासरूम में एक बैलून ले सकते हैं और एक छोटा सा कोई कॉइन ले सकते हैं, कोई बॉल ले सकते हैं छोटी सी। आप देखेंगे तो कोई बैलून को जो फुला रखा है कितना बड़ा है, बॉल कितनी छोटी है, फिर भी बड़ी चीज़ का वजन हमेशा ज़्यादा नहीं होता। हमेशा जब मान्यता मोटी किताब पतली किताब है तो मोटी किताब ज़्यादा होगी, तो इसी चीज़ को तोड़ना है कि हमेशा ज़्यादा नहीं होता। तो ये देख के इस बात को कहते समय डिपेंड करता है कि वस्तु कौन सी वस्तु की तुलना की जा रही है। 2, ज़्यादा मात्रा की चीज़ का वजन हमेशा ज़्यादा नहीं होता। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जनरली हम आपने भी सुना होगा, एक मेरे पास एक पल्ले में 1 किलो रुई रखी हुई है, एक पल्ले में 1 किलो लोहा रखा हुआ है, कौन भारी है? तो नहीं, लोग लोहा बोल देते हैं जल्दबाजी में। अब करके देखना अपने आसपास को पता लग जाएगा, लग रहा ऑब्वियस है, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोहा बोल रहे होंगे क्योंकि रुई का मात्रा ज़्यादा दिख रही है ना, लोहे की मात्रा दिखने में कम है और उसकी डेंसिटी है ना वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे हम कई सारे डब्बों के साथ, ये खाली डब्बा है, छोटा डब्बा है, इस तरह बच्चों को बता सकते हैं कि जितना जरूरी नहीं है कि अगर साइज ज़्यादा दिख रहा है तो उसमें वजन भी ज़्यादा हो। 3, समान लंबाई की चीज़ों का वजन अलग अलग हो सकता है। इसके लिए जनरली देखते हैं सब दिखने में लंबाई में चीज़ें समान है, वजन भी समान होगा, पर आप स्टील का स्केल ले लो, प्लास्टिक का स्केल ले लो, कागज का स्केल लगा कर देख लो, तीनों अलग अलग होंगे। तो इस मान्यता को भी बच्चों के साथ बातचीत करके दिखाने की जरूरत है। 4, अगर संख्या में कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा, तो ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। पहले एग्जाम्पल से बैलून ले लीजिए 4-5, बॉल ले लीजिए एक तरफ, 5 बैलून है, बॉल 1 है, वजन किसका ज़्यादा होगा? तो ये नहीं, इस समान तो संख्या के साथ वजन सीधे से रिलेशन नहीं, ज़्यादा हो भी सकता है, ज़्यादा नहीं भी हो सकता है। तो इनके जैसे इन आप कौन सी गतिविधियाँ इनके लिए आपको माइंड में आएंगी जो आप अपनी क्लासरूम में करते हैं, आप हमारे साथ साझा कीजिए क्योंकि आपका अपना चैनल है। और ऐसे ही मैथमेटिकल कंटेंट के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साझा कीजिए, और एक आसान सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, जिस बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग कंटेंट के साथ।